हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की जो 11th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। जैसे 9.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इफ a^n प्लस b^n डिवाइडेड बाय a^n माइनस 1 प्लस b^n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, then find out the value of n. Find out value of n. देखिए स्टूडेंट, जैसे am के बारे में मैं इसे पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि am हमारे पास क्या होता है, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें इसमें क्या बोला है, a^n प्लस b^n डिवाइडेड बाय दिस इज द am बिटवीन a एंड b, तो हम यहां से क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, a^n प्लस b^n डिवाइडेड बाय a^n माइनस 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। हमारे पास a और b के बीच जो अर्थमेटिक मीन डिफाइन किया जाता है a प्लस b बाय 2 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसने क्या बोला था, ये जो है ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, दिस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये अर्थमेटिक मीन a और b के बीच डिफाइन किया गया है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 2 a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b a^n माइनस 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, 2 a^n प्लस 2 b^n इज इक्वल टू, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a^n माइनस 1 प्लस 1 प्लस, अब a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब b को इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, अब देखिए दोनों बेस सेम है पावर ऐड कर दीजिए, n माइनस 1 प्लस 1। अब यहां देखिए 1 से 1 कैंसिल, यहां 1 से 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए जितने भी n पावर्स में है वो लेफ्ट साइड ले आते हैं, कितना आ जाएगा, 2 a टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, 2 a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n कितना आ जाएगा, a टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब a की पावर में जो है n उनको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, b की पावर में जो है उसको राइट साइड में ले लेते हैं, a टू द पावर n माइनस b a रेज टू द पावर n माइनस 1 इसको मैं लेफ्ट में ले आया इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन माइनस वन इसको राइट में ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में ए की छोटी पावर कौन सी है, एन माइनस वन, तो इसको
ले लेते हैं कॉमन a टू द पावर n। देखिए मैंने a टू द पावर n माइनस वन लिया है तो यहां देखिए सिंपल लिख लेता हूं, चलो मैं a टू द पावर n माइनस वन एज इट इज लिख लेते हैं माइनस b। देखिए स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर n माइनस वन से a टू द पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा a टू द पावर n माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी ले लेते हैं b टू द पावर n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n माइनस वन। ठीक है देखिए इसको सिंपल लॉजिक से समझिए स्टूडेंट्स, अगर 8 प्लस 9 हमारे पास गिवन है, मान लीजिए 8 प्लस 9 हमारे पास गिवन है, अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूं कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 बाय 8, लिख सकता हूं उसको इस तरीके से 1 प्लस 9 बाय 8 वही मैं यूज कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से कितना आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, अब देखिए बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा n माइनस n और ये माइनस हम ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, माइनस बी इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन, यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए माइनस बी टू द पावर एन माइनस एन प्लस वन। ठीक है एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, यहां क्या आ गया स्टूडेंट्स ए टू द पावर एन माइनस वन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन a माइनस बी। ठीक है इसके बाद जो डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूं, ऊपर a टू द पावर n माइनस वन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स अब जो भी टर्म्स हमारे पास डिफाइन की गई है, देखिए a माइनस बी को राइट में ले जाता हूं इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, कितना आ जाएगा a टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय b टू द पावर n माइनस वन और यहां देखिए स्टूडेंट्स a माइनस बी अपॉन a माइनस बी कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, दोनों की पावर सेम है ना। अब यहां क्या कर सकता हूं a अपॉन b n माइनस वन इज इक्वल टू वन है। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब जो राइट साइड में वन है क्या वन को मैं ये लिख सकता हूं a अपॉन b पूरे की पावर जीरो, आपको पता है किसी की पावर जीरो होती है वन के बराबर होता है। अब देखिए दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो n इज इक्वल टू वन, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो n इज इक्वल टू वन, इसको नोट कर लीजिए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो भी बहुत सिंपल है। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसने जो स्टूडेंट्स ने डिस्कस करना चाहा है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 इसने बोला है बिटवीन 1 एंड 31, इसने बोला है 1 एंड 31 के बीच में हमें m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं a1 a2 a3 a4 अप टू am inserted in such a way that the resulting sequence is a negative। देखिए स्टूडेंट इसने क्या बोला है हमें, इसने हमें ये बोला है कि 1 एंड 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 एंड 31 के बीच में हमें m अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं। ठीक है इस तरीके से कि जो रिजल्टिंग हमारे पास सीक्वेंस हो जाए वो किस में हो जाए एपी में हो जाए, और आगे से क्या बोला है एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड एम माइनस वनथ नंबर,
ऑल्सो हमारे पास इसने क्या बोला है, जो रेशो है सेवंथ अपॉन एम माइनस वनथ, जो एम माइनस वनथ जो इसने बोला है वो किसके बराबर रेशो दे रखा है, 5/9, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम। देखिए स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इसने क्या बोला, 1 and 31, जो 1 and 31 के बीच में m नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट किए गए हैं कि जो हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो किसमें आ जाए, एपी में, और जो रेशो है सेवंथ नंबर डिवाइडेड बाय m माइनस वनथ नंबर, वो रेशो किसके बराबर दे रखा है 5/9 के, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए सबसे पहले m नंबर तो जो बीच में इंसर्ट कर रखे हैं वो हो गए, और दो नंबर फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई स्टूडेंट्स, m+2, m+2 इज इक्वल टू a+m-1 into d। ठीक है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म am+2 कि कैसे, m नंबर तो वो जो इनके बीच में इंसर्ट कर रखे हैं, और दो नंबर वो जो फर्स्ट नंबर और लास्ट में है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गए स्टूडेंट्स, m+2। गॉट इट, यस और नो? वेरी नाइस स्टूडेंट्स, कितना हो गया हमारे पास am+2, जो लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दे रखी है 31, am+2 मतलब लास्ट टर्म 31 इज इक्वल टू a, ये क्या है 1 प्लस m+1 इंटू डी, 31-1 कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी, और यहां से स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, d किसके बराबर आ गया 30 अपॉन m+1। ठीक है, इसको हमने दे दिया नंबर 1, वेरी सिंपल। अब देखिए इसने क्या बोला, सेवंथ नंबर डिवाइडेड बाय m-1, अब सेवंथ एंड m-1, अब देखिए एज हमारे पास क्या है, एज भी है a7 डिवाइडेड बाय am-1 इज इक्वल टू 5/9। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां देखिए, जो a1 है, जो a1 नंबर जो हमारे पास है, a1 जो पहला अरिथमेटिक मीन है, वो कौन से नंबर पर काउंट होता है, सेकंड नंबर पर। देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, मतलब a1 को मैं a2 स्मॉल a2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी तरीके से a2 देखिए, a2 कैपिटल a2 सेकंड अरिथमेटिक मीन जो हमारे पास है, ये थर्ड नंबर की टर्म है, इसको स्मॉल a3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम a4 कह रहे हैं, a4 मतलब फोर्थ अरिथमेटिक मीन जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो फिफ्थ नंबर पर काउंट होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट जो a7 हमारे पास है, a7 को मैं a8 स्मॉल a8 जो आठवें नंबर पर काउंट होगी, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, m-1+1, एक ज्यादा। a7 का मतलब स्मॉल a7+1 दैट इज a8, इसी तरीके से स्मॉल am-1+1 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां से हमारे पास कितना आ गया a8, देखिए यहां 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, a8 का मतलब कितना हो गया a+7d डिवाइडेड बाय am। देखिए जो यहां am था इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a+m-1 into d। फिर से देख लीजिए, a8 का मतलब a+7d, am का मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स a+m-1 into d। अब हमें a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से 1, देखिए a की वैल्यू क्या गिवन है 1, ठीक है, पुट कर रहा हूं मैं, इसमें पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू क्या है 1, 1+7 इंटू डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 30 अपॉन m+1 डिवाइडेड बाय
a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 30 अपॉन m प्लस वन, ये किसके बराबर गिवन था 5/9, किसके बराबर गिवन है 5/9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सोल्व करते हैं हमें, बस बिल्कुल सिंपल है सोल्व करना। देखिए स्टूडेंट अब यहां से इसको सोल्व करते हैं हम, इज इक्वल टू देखिए पहले लिख लेते हैं 1 प्लस 30 को 7 से करेंगे 210 डिवाइड बाय m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 30 इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, देखिए यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा m प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, m प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 210, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यहां डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1 और यहां कितना आ जाएगा m प्लस 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 30m माइनस 30। फिर से देख लीजिए न्यूमरेटर पे हमारे पास एलसीएम कितना है m प्लस 1, यहां कितना आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आ जाएगा m प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, यहां कितना आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट अब यहां सिर्फ हमारे पास m की ही फॉर्मेशन में देखिए टर्म दिखाई दे रही है और हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इसको लिख लेते हैं यहां पे कितना गया स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल एज इट इज इक्वल टू m प्लस 211 डिवाइडेड बाय 30m प्लस m, कितना आ जाएगा 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है स्टूडेंट्स। m प्लस 211 डिवाइडेड बाय 30m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। अब अगेन बिल्कुल सेम एज इट इज, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9m, अगेन 211 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा प्लस 9 प्लस 18 इज इक्वल टू, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 5 × 5 = 155m माइनस 29 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, देखिए करते हैं मल्टीप्लाई अगेन 5 × 9 = 45 अगेन 4 कैरी 145 अगेन देखिए 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 155 माइनस 145, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगेन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं 9m माइनस 155m इज इक्वल टू माइनस 145 माइनस 1899, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज 9m माइनस 155m कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 146m इज इक्वल टू 1899 एंड माइनस 145 अगेन कितना आ जाएगा 20 माइनस 2044, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है अगेन हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 2044 डिवाइड बाय 146, ठीक है m इज इक्वल टू 2044 डिवाइड बाय 146 और अगर इसको हम कट ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा 1460 मतलब 10 m 14 दैट इज फाइनल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 14, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको,
इसने क्या बोला है, 1 एंड 31 के बीच में हमें m नंबर को इंसर्ट करना है। अब यहां से हमने जैसे ही m नंबर को इंसर्ट किया तो हमारे पास टोटल नंबर टर्म्स कितनी हो गई, m नंबर तो ये है और दो नंबर ये हो गए फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए एम प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। लास्ट टर्म किसके बराबर है, 31 के बराबर, फर्स्ट टर्म क्या है 1, एम प्लस वन इंटू डी, यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वेरी सिंपल। अभी मैं क्या बोला था हमें कि जो सेवंथ नंबर और ए एम माइनस वन नंबर है इनका जो रेशियो है वो 5/9 के बराबर गिवन है। अब यहां से हमें एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एस बी है, देखिए ए सेवन अपॉन एम माइनस वन इज इक्वल टू 5/9 दे रखा है। मैंने अभी बताया था आपको जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड पोजीशन पर होता है, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ऐसे ही सेकंड जो अर्थमेटिक मीन है वो थर्ड पोजीशन पर स्मॉल ए थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो ए सेवन हमारे पास है वो स्मॉल ए एट हो जाएगा और ए एम माइनस वन वो क्या हो जाएगा, ए एम माइनस वन प्लस वन, एक नेक्स्ट टर्म 5/9, यहां से हम सोल्व करेंगे 8 को a प्लस 7d और am को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगेन कुछ नहीं किया हमने स्टूडेंट, सिर्फ a की और d की वैल्यू पुट की है, देखिए a की और d की वैल्यू पुट की है इसके बराबर, जितना हम सोल्व कर सकते थे हमने सोल्व किया। यहां से देखिए यहां चले एलसीएम ले लिया, 5/9 पे पहुंच गए, ये लास्ट स्टेप हमारे पास m इज इक्वल टू 14 तक आ गया, वेरी सिंपल। गॉट इट स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।